खुदा का खौफ करें पप्पू, बेचारी बिन बाप की बच्ची है, ऐसे किसी के भी हवाले कर देंगे आप? मतलब क्या बातें कर रहे हो, बिन बाप की बच्ची है इसीलिए तो ये काम करा रहे हैं ना, नेकी का काम होता है यतीम बच्चियों की शादियां कराना, बीच में आके बोल रहे हैं। और उस यतीम बच्चे की उम्र है शादी की? मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग जबरदस्ती कैसे कर सकते हो उसके साथ। तुम कौन हो और तुम होती कौन हो हमारे मामलात में दखल देने वाली? बड़ों के मामलात में बच्चों का क्या काम? बच्ची नहीं हूं मैं, बल्कि एक बच्चे की माँ हूं मैं। और मेरे लिए भी ना एक ऐसा ही फैसला हुआ था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी उस फैसले ने। मैं एमन के लिए या फिर किसी और लड़की के लिए ऐसा फैसला नहीं होने दूंगी। तुम इन मामलात से दूर रहो, खुदा का वास्ता। इन सारे मामलात में ना इसका ज्यादा तजुर्बा है और बहुत बुरा वाला। जब उसकी माँ को कोई एतराज नहीं है तो तुम लोग कौन हो पीछे बोलने वाले? तुम बच्ची हो, बच्ची रहो। छोटी नहीं हूँ मैं राहिला आंटी, और अगर मैं छोटी थी तो फिर आप लोगों ने मेरी शादी क्यों करवाई? मैं एमन की वो कजन हूँ जिसके लिए एक ऐसे ही गलत फैसला हुआ था और उसका नतीजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। मैं कितनी दफा मरते मरते बची हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ पप्पू। आपने देखा है कि मेरे साथ क्या हुआ था, फिर भी आप अपनी बेटी के साथ वही करने जा रही हैं? आप लोग प्लीज जाए यहाँ से, क्योंकि मैं ये नहीं होने दूंगी। सुना नहीं है आप लोगों ने एनी ने क्या कहा है? आप लोग तशरीफ ले जाइए यहाँ से। चलो चलो उठो बाबर, यहाँ तो हम अपनी इंसल्ट करवाने के लिए आए थे। हमारी इंसल्ट करने के लिए बुलाया था। क्या करूँ इसमें, तुम्हारे जानने वाले हैं ना। अब इतनी मजाल इनकी, जब तुम्हारे घर पे कोई राजी ही नहीं था इस रिश्ते के लिए तो मेरी बहन और भांजे को क्यों बुलवाया तुम? तो मैं तुम्हें समझता हूं। एनी अब खुश होगी तुम? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। आने दो आजा भाई भाई को, तुम्हारी तो अच्छी तरह से शामत लगाऊंगी मैं। अपना घर तो बसा लिया, मेरी बेटी के नसीब क्यों खोटे करने चली हो तुम? नसीब खोटे तो गलत फैसलों से होते हैं पप्पू। और अब्बा बता दें आपने, उनकी डांट तो वैसे भी बचपन से सुनते हुए आई हूँ, पेमेंट के लिए एक और सही। अच्छा अभी बस ये बातें यहाँ करने के लिए चलो यहाँ से, इनको समझ भी नहीं आ रही। चलो वैसे फैमी, जितनी अकल और समझ एनी में है ना, इस घर में हम बड़ों में भी नहीं है। वैसे तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए इसका, तुम्हारी बेटी की जिंदगी बचा ली उसने, बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल लिया है। लेकिन शायद अभी तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होगा, बहुत बाद में होगा।